मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी से विशाल वैष्णव का प्रश्न है। वे पूछ रहे हैं कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का मैं नित्य प्रतिपाठ करता हूँ, मुझे याद भी है, तो इसके अंगन्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास एवं दिगबंध आदि बतलाने की कृपा करें, तथा ये राम रक्षा स्तोत्र किस ग्रंथ में आया है वह भी बतलाएं। अच्छी बात है कि आप जो है राम रक्षा स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। विनियोग माने होता है प्रयोग, प्रयोग उसका पूरा परिचय देते हुए, और हम इसका किस कार्य में विनियोग कर रहे हैं, किस कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये जो है निवेदन करना, ये ही विनियोग कहलाता है। ऋषि छंद देवता शक्ति कीलक बीज आदि का उच्चारण करते हुए और किस कार्य के लिए इसका प्रयोजन हो रहा है वो उस सिद्धि के लिए उस बात को कह देना, यही विनियोग है। जैसे गीता प्रेस की जो पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें जो विनियोग दिया गया है वो एकदम सही नहीं है। विनियोग का ये क्रम है, सबसे पहले ऋषि, फिर छंद, फिर देवता का कीर्तन होना चाहिए। अगर और भी उसमें चीज जोड़ना चाहते हैं तो बीज, शक्ति और कीलक का भी फिर इस क्रम में जो है कथन होना चाहिए। तो देखिए आप इसका विनियोग देखें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का विनियोग। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशक ऋषि ही अनुष्टुप छंदः श्री सीता राम चंद्रो देवता रांग बीजम श्री सीता शक्ति ही श्रीमद हनुमान कीलकम श्री सीता राम चंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे पाठे वा विनियोगः। आप जप भी कह सकते हैं, पाठ भी कह सकते हैं, दोनों में जप या पठ धातु है, दोनों का एक ही अर्थ है, व्यक्तायाम वाची। ऐसी कोई शंका नहीं करनी है कि जप हम जो है मानसिक करते हैं, पाठ करते हैं, वो दोनों की एक सी बात है। तो ये जो है शुद्ध विनियोग है, इसको आप लिख ले में करें। तो विनियोग का जो न्यास होते हैं ऋषियादि न्यास, अब ऋषियादि न्यास देखिए कि सबसे पहले ऋषि, फिर छंद, फिर देवता इत्यादि क्रम से जो न्यास होंगे, साथ साथ में कुछ जानकारी भी देते रहेंगे और आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ओम बुध कौशिक ऋषये नमः शिरसि। ऋषि जो है अपने यहाँ मेधा शक्ति में चिंतन करते हुए उन मंत्रों को देखते हैं, इसलिए ऋषियों का न्यास यहाँ शिर प्रदेश में होता है। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, फिर जो है जो भी छंद हैं वो मुख से ही बोले जाएंगे और समस्त मंत्र गद्य पद्य किसी न किसी छंद में ही आबद्ध हैं, इसलिए उनको जो है वहाँ छंद का, तो अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख में। फिर जो है देवता का न्यास होता है, तो देवता का निवास हृदय में होता है, तो इसलिए वहां होगा। इसके देवता कौन है? श्री सीताराम चंद्र देवता यही नमः हृदि। अब सीताराम को एक मान लिया तो एक वचन में कह दिया, और नहीं तो श्री सीताराम चंद्राभ्यान नमः हृदि, ऐसा भी जो है बोल सकते हैं। और अब बीज का न्यास करते हैं, तो ये पूरा श्री राम मंत्र की ही व्याख्या है। तो राम मंत्र का बीज है रांग,
तो बीज कहाँ रहता है? बीज का निवास लिंग में होता है, वहाँ निवास होता है, बीज वहीं रहता है। इसलिए कोई भी मंत्र का बीज का हम न्यास करते हैं तो वो लिंगे लिंग में करते हैं। गुह्य लिखा रहता है तो वहाँ भी लिंग की ही भावना करनी चाहिए। तो लिंग में दूर से न्यास करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको स्पर्श किया जाए, दूर से न्यास करके फिर भी हस्त प्रक्षालन करने का विधान है। तो रांग बीजाय नमः गुह्य, गुह्य प्रदेश में इसका न्यास हुआ। फिर शक्ति का निवास पैरों में होता है, गमनागमन की शक्ति, तो इसकी शक्ति भगवती जानकी है। तो ओम श्री सीता शक्तये नमः पादयोः, दोनों पैरों में, दक्षिण वामयोः, पहले दाहिने फिर बाएं, ये न्यास हो जाता है। हाथ धुल लेते हैं, फिर जो है कीलक का न्यास करते हैं। तो इसके कीलक हनुमान जी का है, हनुमान है, तो ओम श्रीमद हनुमान कीलकाय नमः, या हनुमत कीलकाय नमः, या जो है हनुमते कीलकाय नमः, नाभौ नाभि देश में इसका न्यास किया जाता है। फिर श्री सीता राम चंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे, तो पूरे अंगों में फिर इसका न्यास कर लिया जाता है। जो बाद में होता है विनियोग, जिस उद्देश्य, उस उद्देश्य को सर्वांग में न्यस्त करते हैं, न्यास किया जाता है। फिर हाथ आदि धो लेते हैं। इसके बाद करन्यास, ध्यान रहे कि करन्यास पहले होना चाहिए, फिर हृदयादि न्यास बाद में होना चाहिए। कई पद्धतियों में जो हृदयादि न्यास पहले दिया रहता है, करन्यास बाद में दिया रहता है, इसके ऊपर तंत्र ग्रंथों में खूब शास्त्रार्थ है और वो स्पष्ट किया गया है कि मूल तो करन्यास ही है, हृदयादि न्यास उसकी विकृति है। तो अब ये जो है राम मंत्र में ही छंदों का अलग अलग स्वरों को जोड़ते हुए वो न्यास किया जाता है। तो रांग ओम रांग अंगुष्ठाभ्यांग नमः, ओम रींग तर्जनीभ्यांग नमः, ओम रूंग मध्यमाभ्यांग नमः, ओम रईंग अनामिकाभ्यांग नमः, ओम रौंग कनिष्ठिकाभ्यांग नमः, ओम रह कर तल और कर पृष्ठाभ्यांग नमः। ये जो है इस तरीके से कर दिया। अब इसी को फिर दोबारा मंत्र यही रहते हैं, हृदयादि न्यास में कह दिया जाता है, ओम रांग हृदयाय नमः, ओम रींग शिरसे स्वाहा, ओम रूंग शिखाई बसत, ओम रौंग कवचाय होम, ओम रौंग नेतत्याय बहुषट, ओम रह अस्त्राय फट। रांग हृदयाय नमः, फिर देखिए रांग हृदयाय नमः, रींग शिरसे स्वाहा, रूंग शिखाई बसत, रैंग कवचाय होम, रौंग नेत्राभ्याम बहुषट, दो होंगे इसमें, ओम रह अस्त्राय फट। ये जो है इसके बाद में फिर न्यास है, ये न्यास सब पूरे हो गए। न्यास में तो जो कई हैं, किसी भी प्रकार का न्यास करिएगा, मुख्य रूप से न्यास जो है ये और मुद्रा, ये सब तांत्रिक है, और न्यास इत्यादि करने से आत्मरक्षा होती है। जहाँ किसी विशेष उद्देश्य से यदि पाठ किया जाता है, जप किया जाता है, तो न्यास की आवश्यकता होती है। यदि भगवत प्रीत्यर्थ कोई कार्य किया जाता है तो न्यास फिर कृताकृत होते हैं, किए जाए अथवा न किए जाए। तो इस दृष्टि से फिर ध्यान करके और मानसोपचार पूजन करके फिर पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ की विधि बतला दी गई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कोई भी स्तोत्र आदि का पाठ कैसे करना चाहिए, उसकी विधि जो है पीछे कह दी गई है, किसी वीडियो में आप सुन सकते हैं। और इन सज्जन का जो है प्रश्न का दो क्रम था, दो प्रश्न किए हुए थे, तो दूसरा प्रश्न गायत्री मंत्र से संबंधित है, उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे, जिसमें और भी सज्जनों के प्रश्न हैं वो सब सम्मिलित करके गायत्री से संबंधित, गायत्री पुरश्चरण से संबंधित जानकारी आप वहाँ श्रवण कर सकते हैं। हर हर महादेव।